के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच्ची खबर। देखते रहिए नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार और न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। डिहरी जल संसाधन द्वारा लगातार भैंसा ग्राम के पास से अवैध बालू नहर से खनन की मिल रही सूचना पर एसडीएम सुनील कुमार और एएसपी संजय कुमार के साथ पुलिस बल के साथ आज सुबह 6 बजे एक अवैध बालू कारोबारियों पर धावा बोलकर 10 ट्रैक्टर को बालू लदे रंगे हाथ पकड़कर जब्त कर लिया। हालांकि इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी टेलर ड्राइवर भागने में सफल हुआ। वही इस संबंध में एसडीएम सुनील कुमार ने कहा कि अवैध बालू करने वाले लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। बालू के छापेमारी हुए जल संसाधन विभाग से, हम लोग को लगातार पत्र प्राप्त हो रहे थे कि भैसा के पास उनका जो वर्क चल रहा है नहर में, वहाँ से इलीगल माइनिंग वहाँ के स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं ट्रैक्टर के माध्यम से। उसी को मद्देनजर आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 के अराउंड हम लोगों ने पूरा टीम बनाकर छापेमारी की। उसमें अपर पुलिस अधीक्षक साहब, मंडल पुलिस पदाधिकारी भी थे और हमारी टीम थी। क्वालिटी को लेकर हम लोग किए हैं, उसमें 10 ट्रैक्टर जब्त किया गया है।